किसी भी इंसान को आदमी को अपने जीवन का मित्र किसे बनाना चाहिए क्योंकि जैसा होता है आदमी का मित्र वैसा ही बनता है उसका चरित्र सच्चाई चा, यह है किसी भी इंसान का चरित्र कैसा है अगर यह पता करना हो तो उसके जीवन में कब तक झांक कर देखोगे कि उस आदमी का चरित्र कैसा है एक ही मिनट में पता लग जाएगा किस आदमी के किस क्वालिटी के मित्र हैं नैतिक लोग मित्र है इसका मतलब वो आदमी नैतिक है ईमानदार लोग मित्र इसका मतलब वो आदमी ईमानदार है शीलवान लोग मित्र इसका मतलब वो आदमी शीलवान है और अगर उसके पियक्कड़ मित्र है इसका मतलब वो आदमी पियक्कड़ है क्योंकि जैसा होगा आदमी का मित्र वैसा ही बनता है उसका चरित्र या यूं कह दे आदमी का जैसा होता है चरित्र वो वैसा ही बनाता है अपने जीवन में मित्र इसलिए मित्र और चरित्र ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जैसा होगा मित्र वैसा बनेगा चरित्र या कह दो जैसा होगा आदमी का चरित्र वो अपने जीवन में मित्र वैसे ही बनाता रहेगा यूं तो हम कहते ही रहते हैं सत्वेशु मैत्री गुण प्रमोदम आदमी किनसे मित्रता स्थापित करे सत्वेशु जो नैतिकता के मार्ग पर चलते हों ऐसे लोगों से दोस्ती बनाओ जो प्रामाणिक हो जो ईमानदार हो जो अपनी बात के धनी हो जो संकल्प के मजबूत हो जो बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हों जो घर में इज्जत के साथ रहते हों जिनका जीवन नैतिक और पवित्र हो जो हमेशा अच्छे और ईमानदारी के रस्ते पर चलते हो ऐसे लोगों को जीवन का मित्र बनाना चाहिए क्योंकि वे लोग हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं इसलिए भगवान का सत्वे मैत्री मित्रता किससे करो जो पवित्र हृदय के लोग हैं अच्छे लोग हैं जो जो अच्छा श्रेष्ठ जीवन जीते हैं ऐसे लोगों के साथ मित्रता करो और गुणी सुप्रमोदम गुणवान लोगों को देखकर अपने जीवन में आनंदित महसूस करो क्योंकि गुणवान लोगों के साथ रहेगा इंसान तो जीवन में गुण साकार हो जाएंगे पहली बात जीवन अगर सबसे ज्यादा प्रभावित होता है तो आदमी के मित्र से होता है इसलिए पत्नी जैसी भी मिल गई चलेगी क्योंकि वो आपके जीवन को प्रभावित नहीं करेगी ज्यादा बच्चे जैसे भी हैं चलेगा भाई जैसा भी है चलेगा मां बाप जैसे भी है चलेगा एक लाइन में समझ लें पिता अगर पियक्कड़ है तो क्या चाहेगा उसका बच्चा पिए कि ना पिए बुद्धि लगाओ किसी का पिता पियक कर है तो वो क्या चाहेगा उसका बेटा पिए कि ना पिए यस नो पिए कि ना पिए ना पिए पिता अगर गुटका खाता है तो यही प्रार्थना करेगा भगवान मेरे जीवन में ये कमजोरी आ गई पर कम से कम मेरे बच्चों के जीवन में ऐसी गंदी आदत ना पड़े पिता के जीवन में अगर कोई गलत व्यसन आ गया है तब भी वो यही चाहेगा ईश्वर मेरे जीवन से मैं इस कमजोरी को नहीं छोड़ पा रहा हूं पर मेरे बच्चों में ये कमजोरी ना आ जाए पिता में और मित्र में यही फर्क होता है गलत राह पर चलने वाला पिता भी चाहेगा मेरी संतान सही रास्ते पर चले पर गलत रास्ते पर चलने वाला मित्र यही चाहेगा मेरा दोस्त भी क्या करे क्या करे पियक्कड़ आदमी चाहेगा जैसे तैसे समझा बुझा कर गुटखा खाने वाला जैसे तैसे समझा बुझा कर सिगरेट पीने वाला बीड़ी पीने वाला जर्दा तंबाकू चबाने वाला हर व्यक्ति यही चाहेगा मेरे दोस्त को भी आदत डाल दूं तभी तो दोस्ती लंबी चलेगी पिता अगर पीता है क्या कहा मैंने पिता अगर पीता है तो चाहेगा मेरा बच्चा ना पिए पर दोस्त अगर पीता है तो चाहेगा मेरा दोस्त जरूर पिए इसलिए मेरे भाई जीवन में तीन शब्द बड़े संभाल कर रखना नंबर एक धर्म जो है तो ढाई अक्षर का पर इंसान के जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं नंबर दो प्रेम जो है ढाई अक्षर का पर आदमी की जिंदगी इससे प्रभावित होती है और तीसरा है मित्र जो होता तो ढाई अक्षर का है पर इंसान की जिंदगी को प्रभावित करने के लिए सबसे काफी हुआ करता है पत्नी आपको कैसी मिली यह तो आपके हाथ में नहीं था ना आप में से सुनने वाले अधिकांश लोगों में 99% परसेंट लोग ऐसे हैं जिन्होंने लव मैरिज नहीं की होगी अरेंज मरीज हुई और पत्नी कैसी हो आज की तारीख में तो फिर भी थोड़ी देखभाल और थोड़ा मिलना जुलना फ़ोन मोबाइल होटलों में आना जाना सब चलता है पर पहले ज़माने में तो शादी के बाद पता लगता था मेरी पत्नी गोरी है कि काली है माँ बाप रिश्ता तय करके आ जाते थे हाँ भर के आ जाते थे टावरों की हिम्मत भी नहीं होती थी आज तो टाबर पहले कूदेंगे मम्मी बात कैसे उठा रहे हो मैं तो देखा ही नहीं तुम कहां से बात कर रहे हो मेरा निर्णय होगा शादी मुझे करनी है जीवन मुझे जीना है जीवन साथी मुझे बनाना है मुझे निर्णय करना है तब में और अब में फर्क ये है तब रिश्ते का चयन माँ बाप करते थे इसलिए वो संस्कार देखते थे कुलीनता देखते थे व्यवहार देखते थे अदब देखते थे कान कायदा देखते थे आज चयन लड़के करते हैं इसलिए वो केवल चेहरा देखते हैं और चेहरा देख कर निर्णय कर जाते हैं पहले, पहले संस्कारों को देख कर निर्णय किया जाता था तो हजार में से एक तलाक होता था अब चेहरे को देख कर निर्णय किया जाता है तो सौ में से दस तलाक होते हैं पहले चरित्र को देखकर जीवन साथी का निर्णय बड़े बुजुर्ग करते थे अब केवल चेहरा देखकर बातों देखकर शैली को देखकर देख निर्णय किया जाता है तो आदमी का निर्णय गलत साबित हो जाता है पहले जमाने में हाँ भर के आ गए जीवन साथी पत्नी बन जाती थी जीवन साथी युवक बन जाता था मेरे भाई इसलिए पत्नी अगर किसी की गलत निकल गई तो इसका दोष किसको है किसको है लड़के को कम और लड़के के मां बाप को ज्यादा है क्योंकि उन्होंने चयन किया बच्चा अगर गलत निकल गया तो इसका दोष भी आपको कम और ऊपर वाले को ज्यादा हो सकता है कि उसने ऐसी संतान आपके घर में पैदा की पत्नी अगर गलत निकल गई तो सारा दोष आपका नहीं बच्चा अगर गलत निकल गया तो सारा दोष आपका नहीं पर दोस्त अगर गलत निकल गया तो सारा दोष आपका है क्योंकि इसका चयन आपने किया था इसमें मां बाप का रोल नहीं इसमें ईश्वर का रोल नहीं इसमें भाग्य का रोल नहीं इसमें परिवार का रोल नहीं आपका रोल था आप जैसे थे वैसे आपने अपना मित्र बनाया और जैसे आपने अपना मित्र बनाया आपका चरित्र वैसा ही बन गया वो मित्र बने आपके जो दिन भर होटलों में घूमते रहते हैं तो आपके पांव भी वहीं जाएंगे वे दोस्त बने लड़के आपके जो जो गलत जगहों पर गलत गलत कार्य करने के लिए जाते रहते हैं आपके कदम भी वहीं बढ़ेंगे वे दोस्त आपको जीवन में मिले जो रोज मंदिर जाते हैं तो एक दिन आप भी मंदिर जाने शुरू हो जाएंगे पर अगर आपको दोस्त ऐसे मिल गए जो रोज मदिरालय जाते हैं तो तय मान कर चले आप कितने भी अच्छे घर में पैदा हुए कितने भी कुलवान घर में पैदा हुए कितने भी संस्कारित घर में पैदा हुए मां की सीख चली जाती है बाप की सीख चली जाती है परिजनों की सीख चली जाती है सब एक किनारे रह जाती है और आदमी की जिंदगी किसी दोस्त के पीछे बह जाती है आपने कभी सोचा एक कुलीन परिवार के बच्चों में पीने की आदत कहां से आ जाती है मैं जब कभी देखा करता हूं ना जिनके माँ बाप रोज मंदिर जाते हैं पूजा कर रहे हैं सामाई कर रहे हैं आराधना कर रहे हैं ईश्वर की उपासना कर रहे हैं उन्होंने बचपन में जी भर के कोशिश की हम अपने बच्चों को संस्कारित बनाए और इसके लिए उन्होंने धर्म की पाठशालाओं तक लेके गए अपने स्वार्थों का त्याग करके दूर दराज तक बड़े बड़े हॉस्टलों में पढ़ने के लिए भेजा ताकि हमारे बच्चे अच्छे पढ़ लिख कर तैयार हो जाए संस्कारित हो जाए आखिर एक कुलीन परिवार में जन्मा एक संस्कारित परिवार में जन्मा एक सभ्यशालीन परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति भी गलत रास्ते पर क्यों चला जाता है इसमें सबसे बड़ी अगर किसी की भूमिका होती है तो आदमी के अपने दोस्त की होती है मानता हूं कभी कभी किस्मत से ऐसी कोई जोड़ी मिल जाती है जैसी कृष्ण और सुदामा की जोड़ी थी किस्मत से कभी कभी ऐसी जोड़ी मिल जाती है जैसे कृष्ण और सुदामा की जोड़ी थी बाकी तो प्राय कर सारी दोस्तों का जो सारा मकड़जाल चलता है वो व्यक्ति के स्वार्थों से गिरा हुआ रहता है भगवान श्री महावीर ने तो कहा था मिट्टी में सब वो भूए सु वैरंग मज जंग न के अपन रोज बोलते हैं ना खामे मी सव्वे जीवे सवे जीवा खमन तुमे और मित्य में सव भूयसु वैरंग मज जंगण खामे में सव्य जीवे सव्य जीवा खमन तुमे मैं सभी जीवों से क्षमा मांगता हूं और यह अपेक्षा रखता हूं कि सभी जीव मुझे क्षमा करें मैं ये अपेक्षा नहीं रखता कि सभी जीव मुझसे क्षमा मांगे ये मैं अपेक्षा नहीं रखता मैं ये अपेक्षा नहीं रखता कि बहु मुझसे क्षमा मांगे पर मैं ये बड़प्पन दिखा रही हूं कि मैं अपनी बहु से क्षमा मांग रही हूं मैं ये अपेक्षा नहीं रखता कि बेटा मुझसे क्षमा मांगे पर मैं चार कदम आगे बढ़ता हूं और रिश्तों में मिठास घोलने के लिए अपने बेटे को भी कह देता हूं बेटा सॉरी अपने मन को बड़ा करो मेरे भाई घर कितना भी साफ हो धूल तो हो ही जाती है घर कितना भी साफ हो धूल तो हो ही जाती है इंसान कितना भी बड़ा हो भूल तो हो ही जाती है घर में धूल आना और इंसान से भूल होना ये दोनों जीवन के हिस्से हैं भगवान कहते हैं खामे में सब जीवे मेरी किसी से दुश्मनी नहीं मेरा किसी से वैर भाव नहीं मेरी किसी से कटुना नहीं मेरी किसी से बोलचाल बंद नहीं मेरी किसी से वैर की मजबूत गांठ नहीं भगवान कहते हैं अगर ये सब दोष हमारे जीवन में पलते रहते हैं तो इससे हमारा लिश्या मंडल कलुषित होता है हमारा आवा मंडल कलुषित होता है हमारी भाव दशाएं गिरती है हमारी भाव श्रेणी कलुषित होती है हमारे गुण स्थान नीचे आते हैं और हमारी आत्मा मा विकास के रस्ते पर चलने के बजाय रसातल की ओर चली जाती है खामे मी सव्य जीवे में सभी जीवों से क्षमा मांगता हूं सव्य जीवा खमन तुम्हें ये नहीं कहा सभी जीव मुझसे क्षमा मांगे ऐसा थोड़ी कह रहे भगवान वो कहते हैं दो कदम आगे बढ़ाओ ये अपेक्षा मत करो कि कोई तुझसे क्षमा ना करे तुम अपने कदम आगे बढ़ाओ गलती किसकी है ये बात खास बात नहीं है पर दो में से झुककर सॉरी किसने बोला वो अपने आप बड़ा हो गया बड़े और छोटे भाई दोनों में द्वंद्व हुआ किसी बात को लेकर तू तुम्हें में हुई टकराव हुआ बोलचाल बंद हुई आपसी खींचतान हुई आना जाना बंद हुआ मिलना जुलना बंद हुआ संवस्त्री और दीपावली के पर्व चले गए पर न तो गले मिले न खमत खामने किए होली और राखी के दिन भी चले गए पर आपस में मुलाकात न की पर एक दिन ऐसा आता है जब दो में से किसी एक का मन सुधरता है मन पवित्र होता है मन में निर्मलता उतर कर आती है उसे लगता है कि मैं कब तक वैर की गांठ बांधता रहूंगा मेरे भाई याद रखना दोस्त हीरा होता है पर भाई सोना होता है मैं इस बात की प्रशंसा करूंगा दोस्त आदमी का हीरा होता है पर भाई सोना होता है और एक बात जीवन भर याद रखना हीरा एक बार टूट जाए तो वापस कभी जुड़ता नहीं है पर सोना हजार बार टूट जाए तो पिघलते ही वापस एक हो जाया करता है इसलिए भाई से बढ़कर जीवन का और कोई मित्र नहीं होता अरे जिंदगी में दोस्ती करनी हो तो खुद के भाई काफी हैं बड़े भाई से मित्रता करोगे तो जीवन में कभी भी गलत संस्कार नहीं आने देंगे बड़े बुजुर्गों से मित्रता करोगे तो जीवन में कभी वो गलत रास्ते पर नहीं जाने देंगे इसलिए मन बना लो अगर दो भाइयों में छोटी मोटी बात को लेकर आपस में खींचतान हो गई है कब तक कोई इंसान संबत् पर्व की प्रतीक्षा करेगा अरे सम्भसरी पर्व तो साल में एक बारी आएगा कि आप खमत खामना कर सको और दीपावली भी साल में एक बारी आएगी कि आप आपस में गले लगकर मन के शिकवों को मन की शिकायतों को मन मुटाओ को बुला सको पर मेरे भाई झगड़े तो हम रोज करते हैं ना तनाव तो हम रोज पालते हैं ना दूरियां तो हम रोज करते हैं ना आपस में खींचतान तो हम रोज पालते हैं ना वैर विरोध तो हम रोज करते हैं ना बोल चाल बंद तो हम रोज करते हैं उल्टे काम हम रोज करते हैं और उस चाबी को घुमाने के लिए जिंदगी कुछ नहीं है ताला है और आप इधर चाबी घुमाओ तो ताला बंद होता है माइनस हो जाता है और 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 इधर घुमा दो तो ताला खुल जाता है जिंदगी में कुछ नहीं करना होता है हमारी आदत पड़ गई है तालों को बंद करने की जब देखो तब हम ताला घुमाते रहते हैं चाबी मेरे भाई कुछ नहीं करना है भगवान कहते हैं अपनी आदत को मोड़ जो अब तक चाबी इधर घुमाता रहा है कुछ मत कर उस चाबी को यूं घुमा दे तेरे जीवन के बंद ताले खुल जाएंगे तेरी बोल चाल जो बंद है मन के जो विकार कषाय भेदभाव मन मुटाव खींच तान है ना इन सबको एक साथ विश्राम लग जाएगा और तेरे कदम मुक्ति की तरफ बढ़ जाएंगे भगवान कहते हैं खामे मी सब जीवे मैं सभी जीवों से क्षमा मांगता हूं और अपेक्षा यह नहीं करते कि सभी जीव मुझसे क्षमा मांगे सास अपेक्षा करती है बहू ने गलती की तो मुझसे सॉरी कहे बड़े भाई को अपेक्षा रहती है छोटे भाई ने गलती की तो मुझसे सॉरी कहे मेरे भाई छोटा भाई तो रोज आपको छू छुके प्रणाम करता है दीरानी तो रोज आपको छू छुके प्रणाम करती है बहू तो रोज आपको छू छुके प्रणाम करती है पर किसी बात को लेकर अगर बोलचाल बंद हो गई है अब बड़प्पन दिखाने की बारी जब आई है तो बड़ो लोग आगे बढ़ो अगर आप बड़े भाई है तो दो कदम आगे बढ़कर अपना बड़प्पन साबित करो और छोटे भाई को फोन करके कहो अरे भाई <laughs> कल शायद थोड़ी सी मेरी बात तुझे चुप गई थी मन में मत लेना है आखिर अपन एक खून है सॉरी सॉरी है आ, मेरे कारण तुम्हारे मन में कोई भेदभाव ना हो रात को बेडरूम में बहू घुसे आपके बेटे के साथ उससे पहले उसको सॉरी कह देना आपकी नींद भी सुख की होगी बेटे की नींद भी सुख की होगी बहू की नींद भी सुख की होगी और अगर ये एक शब्द का इस्तेमाल न किया तो तीनों की नींद हराम होगी तीनों की नींद हराम होगी वो आपके बेटे का कान भरेगी इधर आप अपने पति का कान भरेंगे इधर वो आपको समझाएंगे इधर बेटा उनको समझाएगा दोनों की रात खराब नींद खराब सपने खराब रात का माधुर्य खराब दोनों टेंशन दोनों नहीं दोनों ने और दो को टेंशन दे दिया जो बगल में जीवन साथी थे पर अगर घुसने से पहले एक छोटा सा शब्द ये जो भगवान श्री महावीर ने कहा है क्या है मैं तो कहूंगा हर किसी इंसान को और कोई डिग्री पास करे या ना करे पर एमडी की पढ़ाई जरूर कर लेनी चाहिए पीएचडी करो तो अच्छी बात डिलीट करो तो अच्छी बात एम करो तो अच्छी बात एम करो तो अच्छी बात एम करो तो अच्छी बात इंजीनियर करो तो अच्छी बात ना भी कर पाए तो मेरे भाई जीवन की पाठशाला में जिस व्यक्ति को पास होना है उसके लिए एक पढ़ाई होना जरूरी है और वह है एम और एमडी का मतलब होता है मिच्छामी दुकड़म एम डी का मतलब क्या है बोलो 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 एम डी का मतलब है ये पढ़ाई जिसने पास कर ली उसने जीवन की बाजी जीत ली कौन सी डिग्री कौन सी डिग्री एम डी ये 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 भगवान श्री महावीर की पाठशाला से जब व्यक्ति पास होकर निकलता है तो बाहर निकलते समय उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है अब तुम एम डी पास हो गए यानी मिछा मि तुम्हारे जीवन में साकार हो गया खामे मी सवे जीवे सवे जीवा खमन तुम्हें मैंने एम डी को पास कर लिया अगर सॉरी कहने से सौ समाधान निकलते हो क्यों नाहक बातचीत को बढ़ाते हो अब मित्रता की ओर इंसान जब कदम बढ़ाना चाहते हैं तो भगवान कहते हैं पहला दिमाग में ले लो मिट्टी में सव भूवेश प्राणी हैं जितनी भी आत्माएं चौरासी लाख जीवियों पत्नी आपकी बहु और आपका बेटा इन मीन गीन तीन घर में चार पांच तो लोग हैं अगर वे लोग भी मित्रता में जी लें वे लोग भी मिठास से जी लें वे लोग भी आनंद से जी लें वे लोग भी एक दूजे के लिए सेक्रीफाइस करके जी वे भी एक दूजे के लिए त्याग करके जी लें वे भी एक दूजे के सुख दुख के साथ ही बनकर जी लें तो दुनिया में इससे बड़ा मित्र और कौन होता है भगवान कहते हैं मित्ति में सब भुवेसु और आगे क्या है वैरम मजम न न न के नहीं मेरी मित्रता तो सबसे है मैत्री भावनों पवित्र झरणों आ हैया मा वया करे मैत्री भावनो पवित्र झरणु आ हय्यामा वया करे अरे शुभ था ओ आ सकल विश्व नो एवी भावना नित्य रहे मैत्री भावनो पवित्र झरणो आहैया मा बया करे मैत्री भाव का पवित्र झरना मेरे अंतर हृदय में बहता रहे शुभ था ओ आ सकल विश्वनो किसका सकल विश्व दुनिया में जितने भी प्राणी हैं सबका शुभ हो सबका कल्याण हो मेरे भाई हम जब विश्व कल्याण के मंगल प्रार्थना करते हैं सबके शुभ होने की प्रार्थना करते हैं मैं आपको कैसे बताऊं, हम कितने पुण्यानुबंधी पुण्य का बंधन करते हैं जब जब आप दुख में क्लांत होकर पीड़ाओं में क्लांत होकर वैर विरोध से गिर कर, जब ये प्रार्थना करते हैं भगवान तू उसका अहित कर तू उसका नुकसान कर एक बार उसके अकल ठिकाने कर एक बार उसके घर में खींचान पैदा कर अपन कर्म का बंधन करते हैं पर जब हम सबके लिए दुआ करते हैं प्रार्थना करते हैं भगवान सर्व मांगल्य हो विश्व मांगल्य हो मानवता का कल्याण हो दीन दुखियों का भला हो धर्म का विकास हो और जब हम इस पवित्र भावना के साथ अपने जीवन को जीते हैं तो हम रोज जब जब इंसान भावे भावना भावी और भावे दीजिए दान भावे जिनवर पूजी और भावे जब शुभ भावों के साथ व्यक्ति अपने कदम बढ़ाता है तो हर भाव भाव में व्यक्ति अपना भाव भाव पार कर लेता है शुभ भावों की दशा से गुजरकर इसलिए कभी मन में दोष पैदा हो जाए ना एक चांटा मारना किसको किसको खुद को नादान तू क्यों किसी के लिए दुर्भावना करता है तू क्यों किसी के लिए वैर विरोध करना है जैसी करनी वैसी भरनी जिसकी जो करनी वैसी पार उतरनी पूरी दुनिया को सुधारने का ठेका न तो भगवान ने मुझे दिया है और न ही आपको दिया है सहज में अपना जीवन जी लो पर कभी भी भूल चुक कर आज से संकल्प पकड़ लो मैं किसी के लिए दुर्भावना पैदा नहीं करूंगा मैं किसी के लिए मन में क्लेश पैदा नहीं करूंगा उसके लिए भी जो मेरे अहित कर रहा है मुझे पता है ये मेरा नुकसान कर रहा है मेरे लिए गलत बातें कर रहा है मेरे लिए अपशब्द बोल रहा है मेरा अपयश कर रहा है मैंने उसके लिए बहुत किया पर आज जब बात आई तो घर से उसने कह दिया तुमने मेरे लिए क्या किया तब भी अपने मन को संतुष्ट रखना किया सो किया पर किसने क्या किया सामने वाला माने या ना माने पर एक बात याद रखना हम जब भी अच्छा करते हैं हम जब भी बुरा करते हैं, हम जब भी भलाई के रस्ते पर चलते हैं हम जब भी सच्चाई के रस्ते पर चलते हैं हम जब भी अच्छाई के रस्ते पर चलते हैं इसका सर्टिफिकेट सामने वाले को देने की जरूरत नहीं होती है इसके लिए परम परमेश्वर काफी होता है मैं मेरा मन आपके प्रति कैसे है ये बताने के लिए अगर मैं रोज एक प्रमाण पत्र साथ में लेकर चलूंगा नहीं भाई मैं तो आपको बहुत चाहता हूँ नहीं नहीं भाई मैं तो आपको बहुत नहीं नहीं भाई नहीं 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 जिंदगी में सद्भावनाओं का कोई प्रमाण पत्र नहीं होता ये तो माने उसकी है न माने तो उसकी है पर सद्भावनाओं का कभी कोई प्रमाण पत्र नहीं होता है हमारी सबके प्रति कितनी मित्रता है कितना आनंद भाव है हम कितना काम आना चाहते हैं ये इसका कोई प्रमाण पत्र हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमारा सतकर्म अपने आप में प्रमाण लिए हुए होता है आज जब हम बात कर रहे हैं जिंदगी में अच्छा मित्र बनाने की तो मैं पहला अनुरोध तो यह कहूंगा मेरे भाई जिन शासन में एक बहुत प्यारा शब्द है उसका नाम है वीतराग क्या शब्द है वीतराग यानी जो राग से मुक्त हो गया मैं कहता हूं आज की तारीख में हर आदमी के लिए यह संभव नहीं है कि वह वीतराग बन सके पर हम ये तो संकल्प कर सकते हैं मैं वीत द्वेष बनता हूं क्या कर सकता हूं हां मैं पत्नी के राग को नहीं छोड़ सकता अभी आपकी कमजोरी हो सकती है कि आप पत्नी के राग को नहीं छोड़ सकते बच्चों के राग को नहीं छोड़ सकते परिवार जमीन जायदाद प्लॉट के राग को नहीं छोड़ सकते एफडिया बैंक बैलेंस रुपयों के राग को नहीं छोड़ सकते शरीर और शरीर की गतिविधियों का राग आप नहीं छोड़ सकते पर जिन दिन से बोलचाल बंद है उस द्वेश को तो छोड़ सकते हैं ना जिनके आना जाना बंद है उसको तो त्याग कर सकते हैं ना वीत राग बनना अगर हमारे हाथ में नहीं है तो मैं आपसे कहूंगा हम कम से कम वीत द्वेष जरूर बन जाए मेरा किसी से कोई वैर विरोध नहीं मेरी किसी से कोई बंद नहीं मेरे मन में किसी के प्रति कोई कटुता नहीं मेरे मन में किसी के प्रति कोई क्लेश का वातावरण नहीं माना कि हमने किसी का भला नहीं किया होगा पर गौरव इस बात का है कि हमने किसी का बुरा नहीं किया है हमने किसी का बुरा नहीं किया है इस बात का गौरव हमेशा बना रहेगा अगर आप अपने जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग सकारात्मक रहेंगे माना मैंने घर के लिए बहुत बड़ी भूमिका अदा नहीं की माना मैंने समाज के लिए बहुत बड़ी भूमिका अदा नहीं की माना कि हमने गच्छ के लिए बहुत बड़ी भूमिका अदा नहीं की पर इस बात का गौरव रहेगा गच्छ को तोड़ने में हमारा हाथ कभी नहीं रहा परिवार को तोड़ने में हमारा हाथ कभी नहीं रहा समाज को तोड़ने में हमारा हाथ कभी नहीं रहा ट्रस्ट को तोड़ने में हमारा हाथ कभी नहीं रहा हमने पॉजिटिव वर्क किया कि नहीं किया पर यह दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने नेगेटिव वर्क नहीं किया हम वीत द्वेष रहे और अगर ये नजरिया इंसान का बन जाता है ये पॉजिटिव थिंकिंग इंसान की बन जाती है ये मानसिकता इंसान की बन जाती है ये उसके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमने अपने द्वारा कोई नेगेटिव वर्क नहीं किया हम सृजन में हाथ बटा पाए कि नहीं बटा पाए पर हमने विध्वंस में अपनी कोई भूमिका अदा नहीं की नहीं किया घटना है मुंबई की हो सकता है यह बनी बनाई घटना हो पर घटना इतनी प्रेरणा देने वाली है और घटना है मुंबई की जब आतंकवादियों ने हमला किया था और ताज होटल धू 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 जल रहा था और तब हेलीकॉप्टरों से और दमकलों से आग बुझाई जा रही थी पूरा मुंबई कांप रहा था उस आतंकवादियों की फैला हुई आग से धू धू जले जा रहे थे भवन और दमकलों से आग बुझाई जा रही थी हेलीकॉप्टरों से पानी जाला जा रहा था तभी कुछ लोगों ने देखा एक चिड़िया अब देखो किसी भी व्यक्ति की पॉजिटिव भूमिका जिंदगी में क्या हो सकती है एक चिड़िया लोग देख रहे हैं पास में समुद्र है वहां जा रही है समुद्र में चौंच डालकर और अपने पंख को गीला करके वापस आ रही है और उसी होटल पर जहां आग लगी है एक बूंद दो बूंद छोड़ रही है फिर जाती है समुद्र में पानी चौच में भरकर लाती है चिड़ी चौंच बढ़ लेक गई नदी न घटियो नीर और वो एक एक चौच एक एक चौच में एक एक बूंद पानी भर के ला रही है और ला करके ताज होटल पर डाल रही है कोई पचास बार दिन भर में काम किया होगा आग से उसके पंख झुलसने लग गए और वो थकी हारी कहीं पास की मुंडेर पर आकर बैठी तब पास में खड़े हुए लोगों ने पूछा था अरे भाई चिड़िया तुम क्या कर रही थी हम देख रहे हैं तुम सुबह से यहां बार बार आ रही हो समुद्र में जा रही हो चौच भर पानी ला रही हो और ऊपर से डाल रही हो चौंच भर पानी ला रही हो और ऊपर से डाल रही हो चौंच भर पानी ला हो और जलती आतंकवादियों की आग पर एक एक बूंद पानी डाले हो ये क्या कर रहे हो चिड़िया ने पूछा क्या आप नहीं समझते इतनी सी बात कि कहीं आग लगी हो और बूंद बूंद पानी डाला जा रहा हो तो किस लिए आग लगाने के लिए कि आग बुझाने के लिए आग को बुझाने के लिए तो लोगों ने हंसते हुए कहा चिड़िया तू तो मूरख है मूरख अरे क्या तेरे एक एक बूंद पानी डालने से आग बुझेगी चिड़िया ने का ये बात तुम क्या बताते हो ये तो मैं भी जानती हूं कि एक एक बूंद पानी डालने से ये आतंकवादियों के द्वारा लगाई गई आग को बुझाया नहीं जा सकता पर याद रखना एक दिन इतिहास लिखा जाएगा और तब दो लोगों के नाम आएंगे आग लगाने वाले कौन थे आग बुझाने वाले कौन थे आग लगाने वाले आतंकवादी इंसानों का नाम आएगा पर जब आग बुझाने वालों का नाम आएगा तो उसमें मेरा भी नाम आएगा कि हमने भी आग बुझाने में अपनी भूमिका अदा की आग लगाने में नहीं कि हर घर में दो लोग होते हैं कुछ आग लगाने का काम करते हैं कुछ आग बुझाने का काम करते हैं इतिहास उन पर थूकता है जो आग लगाने का काम करता है इतिहास उन पर गौरव करता है जो आग बुझाने का काम करते हैं हमें कहीं ना कहीं अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा हम जिस घर में हैं जिस परिवार में हैं जिस समाज में हैं जिस ट्रस्ट में हमारी भूमिका आग लगाने की है या आग बुझाने की है आग लगाने की भूमिका है आतंकवादी बन जाओगे आग बुझाने की भूमिका है अहिंसावादी बन जाओगे इतना सही फर्क है अहिंसावादी और आतंकवादी में हर धारावाहिक एपिसोड में दो महिलाएं होती है मालूम है आपको कहानी घर घर की जैसी कोई भी एपिसोड अगर आपने देखा हो तो हर एपिसोड में हर 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 एपिसोड में दो 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 महिलाएं होती हर धारावाहिक में एक पूरे एपिसोड में अगर 235 खंड में एपिसोड बना हुआ है तो 235 खंड में एक महिला पूरे एपिसोड में क्या एक ही काम करेगी आग लगाती रहेगी आग लगाती रहेगी आग लगाती रहेगी पर आपने देखा होगा जिस एपिसोड में एक महिला पूरे एपिसोड दो भाग में आग लगाती है उसी एपिसोड में एक और महिला लाई जाती है जो उन 235 एपिसोड में आग बुझाने का काम करती है मेरे भाई मानता हूं आप जब एपिसोड देखते हैं ना टीवी में देखते हैं और जब वो आग लगाने वाली आती है आई, 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 आ, ये कुछ ना कुछ करेगी उसको देखते ही दिमाग में घन चक्कर शुरू हो जाता है ये आई अब ये ना कोई ना कोई धमाल करेगी पर मेरे भाई याद रखना जीवन का निर्माण उन आग लगाने वाली एपिसोडों में रहने वाली महिलाओं से नहीं होता जीवन का निर्माण जो आग बुझाते हैं उनसे होता है और भगवान श्री महावीर हमें जीवन की महान प्रेरणा देते हैं वीत राग हो पाओ तो अच्छी बात पर कम से कम वीत द्वेष मेरा किसी से कोई आज ही एक बार देख लेना कभी कोई दस बीस साल पहले कोई बात मन में बंद गई होगी आज फोन करना उसको भाई साहब आई एम सॉरी और मिठास से प्रेम से बात करना कितनी सी जिंदगी है चार दिन मांग कर लाए थे दो बीत गए और दो बीत जाएंगे और देखते देखते जिंदगी पूरी हो जाएगी कहां कौन सा मन मुटाओ किसकी बोलचाल बंद अरे मेरे भाई किसी एक से अपनी मित्रता गहरी करो उससे पहले भगवान कहते हैं मिट्टी में सब भूवेश भूतेश ब्रह्मांड में जितने भी जीव प्राणी रहते हैं उन सभी से क्या करता हूं क्या करता हूं कान पकड़ के सॉरी कहता हूँ वैरंग मझम न के नहीं मेरा किसी से कोई भी वैर विरोध नहीं है मेरे किसी से कोई भी तरह की बोलचाल बंद नहीं है मेरा दिल सबके लिए बड़ा है और जब हम बात कर रहे हैं जीवन में एक अच्छा मित्र बनाने के लिए तो मैं कहूँगा हर किसी इंसान को एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए जीवन में ऐसा मित्र बनाओ जिस मित्र को पाने से आपके जीवन का अच्छा निर्माण हो जिससे आपके जीवन में अच्छे संस्कार आए जिसके कारण आपका जीवन सदराह पर जाए क्योंकि हमारा मित्र ही हमारे चरित्र हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है जैसा हमारा मित्र होता है वैसा हमारा नजरिया बनता है और जैसा हमारा नजरिया होता है एक दिन वैसा ही हम अपना मित्र बनाना शुरू कर देते हैं सज्जन ऐसा कीजिए जो ढाल सरीखा हो ए, दुख में तो आगे रहे और सुख में पीछे हो सज्जन ऐसा कीजिए जो ढाल पुराने जमाने में जब युद्ध के मैदान में लोग जाते थे तो दो चीज हाथ में लेकर जाते थे हाथ में तलवार लेकर जाते थे और छाती पर ढाल बांध कर जाते थे ढाल का काम क्या है सुरक्षा करना पर मुझे इतना सा बताओ ढाल आगे कब बांधी जाती थी और पीछे कब रहती थी रास्ते भर तक ढाल पीछे रहती थी लेकिन जैसे युद्ध के मैदान में आई कि ढाल सुरक्षा कवच बनकर आगे आ जाती थी तो प्रभु कहते हैं जिंदगी में दोस्त ऐसे बनाओ कि संकट की घड़ी में तो तुम्हारा साथ निभाने आ जाए सुख में भले ही साथ ना आ पाए शादी ब्याह में भले ही न आ पाए तुम्हारे कोई बड़ा बर्थडे कार्यक्रम था तब ना आ पाए पर तुम्हारी दादी की जब तबीयत खराब हुई ना तब सबसे पहले जो व्यक्ति तुम्हारे द्वार पर खड़ा मिला समझ लेना वो तुम्हारे जीवन का सबसे जिगरी दोस्त है जब कभी ऐसी नौबत आ गई कि एक साथ तुम्हारी ऐसी कोई स्थिति आ गई तुम्हारे सारे रूपये डूब गए और अचानक आपको पचास लाख की जरूरत पड़ी उस समय भले पांच लाख रुपए लेकर भी जो व्यक्ति आपके दरवाजे आके खड़ा हो ले ले दोस्त ये ये रख समझ ले। समझ समझ लेना समझ लेना समझ लेना संकट की घड़ी में काम आने वाला मेरा जिगरी दोस्त है सुख में तो पीछे रहे और दुख में आगे हो संकट की वेला में संकट की घड़ी में जो हमारा साथ निभाने के लिए हमारे सामने आकर खड़ा हो जाए समझ लेना वो हमारे जीवन का सबसे करीबी मित्र है सबसे जिगरी मित्र है और बाकी आजकल जो जो व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और इन सब पर जो दोस्त बन रहे हैं ना पांच सौ मित्र व्हाट्सएप पे है पांच सौ फेसबुक पे और किस पे बनाते हैं है? ये जो दोस्त है ना याद रखना जब एक दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा और तुम आईसीयू में दाखिल हो और वहां पर रोज का सत्तर हजार का बिल बन रहा है उस समय तुम्हारे व्हाट्सअप का कोई दोस्त बाहर नहीं होगा फेसबुक का कोई मित्र बाहर नहीं होगा उस समय तुम्हारे दादा दादी तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी पत्नी तुम्हारा भाई जो बाहर खड़ा है ना समझना वो जीवन का असली मित्र है जो संकट की वेला में मेरे बाहर खड़ा मेरा ध्यान रख रहा है मुख मीठा सज्जन घड़ा जब हमारे सुख के दिन हो तो सज्जन यानी दोस्त कई हमारे पास आ जाते हैं पर जो संकट की वेला में भी हमारा साथ निभा दे समझ लो वो जीवन का सबसे हमारा करीबी मित्र है तीन मित्रों से जीवन में हमेशा बचो नंबर एक स्वार्थी नंबर दो जो चापलूस है नंबर तीन जो मूर्ख है ऐसे लोगों से हमेशा बचे रहो वो काव्य है ना सिंघन के वन में बसिए शेर के साथ रह जाओ जंगल में घुस जाओ पानी में घुस जाओ बिच्छू को हाथ में उठा लो अरे कान खजूरा कान में घुस गया तो कोई दिक्कत नहीं और सांप के मुंह में अंगुली डालो तब भी कोई दिक्कत नहीं सिंघन के वन में वसीये जल में घुसिए कर में बिच्छू लीजिए कान खजूरे को कान में डाल के सांपन के मुख अंगुरी दीजिए भूत पिसाच में रहिए और जहर हलाहल घोल के पीजे जो जग चाहो करो रघुनंदन जो जग चाहो यानी जो तुम्हारा मन चाहे करो रघुनंदन पर मूर्ख मित्र कभी नहीं कीजिए, क्योंकि ये जितना नुकसान पहुंचाएंगे उससे ज्यादा नुकसान एक मूर्ख मित्र वही याद करो ना राजा और बंदर की दोस्ती याद है पंचतंत्र की कहानियों में हमने पढ़ी हुई है राजा और बंदर की दोस्ती और एक दिन राजा का खास मित्र बन जाता है धीरे धीरे वो बंदर और बगीचे में बैठे हैं बंदर राजा की रखवाली के लिए बैठा है राजा सोया हुआ है तभी एक मक्खी बार बार आकर के राजा के नाक पर बैठ रही है बंदर उड़ाता है उड़ाता है उड़ाता है, है पर तीसरी बार चौथी बार भी जब मक्खी आके बैठ जाए तो बंदर राजा की तलवार निकालता है और मक्खी को मारने के लिए तलवार चलाता है मक्की तो उड़ गई और नाक राजा की कट जाती है तब राजा कहता है जो चह चाहो करो रघुनंदन पर मूर्ख मित्र कबू नहीं कीजिए ऐसे व्यक्ति को अगर आपने जीवन का मित्र बना लिया तो आपके जीवन की नौका डूब जाएगी इसलिए पहला नियम एक अच्छे नैतिक व्यक्ति को मित्र बनाओ और जिसको मित्र बनाओ उसके साथ जीवन भर तक अपनी मित्रता निभाने की कोशिश भी करो सुख की वेला में भी उसके साथ रहो पर दुख की वेला में भी साथ रहो मित्रता तो धागे और मोमबत्ती की तरह होती है किसकी तरह धागे और मोमबत्ती की तरह होती है आपको पता है जलता तो धागा है पर पिघलता मोम है और वो इसीलिए पिघलता है ताकि धागा जल सके दोनों अपनी मैत्री को कायम रख रहे हैं धागा इसलिए जल रहा है क्योंकि मोम पिघल रहा है और मोम इसलिए पिघल रहा है क्योंकि धागे पे संकट आ गया है धागा जल रहा है तो पीछे से मोम पिघल रहा है मैंने कहा तीन लोगों को जीवन में कभी मित्र बन बनाइए नंबर एक फिर से बोल लो स्वार्थी व्यक्ति जो आपका मित्र इसलिए बना है कि अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करना चाह रहा है अगर आप अमीर हैं और सुंदर हैं अगर आप संपन्न हैं और सुंदर हैं तो सावधान रहिए हर कोई व्यक्ति आपके करीब आना चाहेगा पुरुष अगर संपन्न है और महिला अगर क्या है सुंदर है तो सावधान रहिए हर कोई व्यक्ति आपके करीब आना चाहेगा पर पुरुष अगर संपन्न नहीं है और महिला अगर सुंदर नहीं है तब भी कोई आपके लिए मित्रता का हाथ बढ़ा रहा है तो समझ लो उसके भीतर उसके मन में पाप कम और पुण्य ज्यादा है प्रगराब सुंदर है और दूसरा क्या है संपन्न है तो सावधान रहिए क्योंकि तब हर कोई व्यक्ति आपके करीब आना चाहेगा अगर आप अमीर है ना तो सात पीढ़ी के दूर का आदमी भी अपना परिचय बताते हो कहता है अरे वो जो वहां रहते हैं ना मेरे दादा के बड़े भाई साहब के पोते के पोते के भतीजे के भाई के बच्चे हैं प्रगराब डाउन हो गए बगल में रहने वाला सगा भाई कहेगा यार क्या बताएं आप ठीक है भाई निभा रहे हैं बाकी मेरा तो मन इससे फट गया मन को तैयार करो मानसिकता को तैयार करो नंबर एक स्वार्थी मित्र नहीं बनाएंगे जो केवल अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं हमारी दोस्ती का हमेशा गलत फ़ायदा उठाते रहते हैं हमारी दोस्ती से हमेशा कोई न कोई कोई ना कोई, कोई, कोई गलत फ़ायदा उठाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं खुद तो चवन्नी होते हैं हमारी जिंदगी में जुड़ते हैं अपना तो सिक्का बना लेते और हमको चवन्नी बना के छोड़ देते हैं ऐसे लोग आपने ज़रूर देखे होंगे वो स्वार्थी लोग जीवन में कभी आके जुड़ जाते हैं खुद तो चवन्नी होते हैं और हमारे साथ जुड़कर चवन्नी को सिक्का बना लेते हैं और इतना ही नहीं खुद का सिक्का चलाए सो चलाए हमें पीछे से चवन्नी बनाकर चले जाते ऐसे स्वार्थी लोगों से बचिए नंबर दो चापलूस लोग जो हाँ में तो हाँ भरते हैं सामने और पीठ पीछे आपकी आलोचना करते हैं ऐसे लोगों से बचिए और नंबर तीन मूर्ख लोगों से बचिए उनका पता नहीं कब आपके जीवन में क्या वो कर बैठे आपके करीबी हो गए कब आपकी इज्जत डाउन कर दे कब आपका धन खराब कर दे कब आपका यश खराब कर दे कब आपके जीवन में कहीं कोई संकट की घड़ी पैदा कर दे तो ऐसे लोगों से जीवन में हमेशा बचे रहिए दूर बनने की कोशिश कीजिए ऐसे लोगों से हमेशा कट के रही है जब भी मित्र बनाओ ना किसी सात्विक व्यक्ति को अपना मैत्री भाव बनाओ ना कि नहीं अच्छे महापुरुषों के साथ अपने मन का मैत्री भाव बनाओ तो इससे हमारा जीवन रोशन होगा मैं पांच सात मंत्र दे रहा हूं हर किसी इंसान को कि इंसान को अपने जीवन में मित्र कैसा बनाना चाहिए किस क्वालिटी के मित्र अपने जीवन में बनाना चाहिए टाइम पास वाले नहीं अधिकांश जो हमारे मित्र बनते ना चार लोग बैठ गए हैं चौराहे पर मोटरसाइकिल लिए खड़े हैं चार लड़के अब बताओ वो क्या योजना बना रहे हैं मंदिर जाने की तीरथ में यात्रा करने की सामाई करने की अब वो चारों पांचों लड़के उनके चक्कर में एक शालीन लड़का भी बिगड़ जाता है और परिणाम सड़क पर कोई लड़की चल रही है अब वो पांचों लड़के क्या करेंगे सोचो आप मोटरसाइकिल ये खड़े हैं फपतियां कसेंगे इशारे करेंगे ये सब करेंगे ना बाबा ना इससे आपकी इज्जत डाउन होती है यहीं पास में गांव है सेंधवा हम जब वहाँ पर तीन साल पहले पूना चातुर्मास के लिए गए थे एक परिवार आया था हमारे पास सभ्यशालीन परिवार धार्मिक परिवार बताया गया उनका बेटा रोज मंदिर में पूजा करता था रोज गुरु महाराज के प्रवसन सुनता था बड़ा सात्विक बड़ा निर्मल बच्चा था बाप जी माँ बाप का बहुत कहना मानता था बड़ा बड़ा संस्कारित बच्चा था ग्यारहवीं तक बच्चे ने वहाँ पढ़ाई की होगी उसके बाद उसके माँ ने पढ़ने के लिए बड़े शहर इंदौर में भेज दिया था और यहाँ पर आजकल रहता है ना एक रूम में चार चार बच्चे एक साथ रहते हैं पांच-पांच बच्चे रहते हैं पढ़ाई के लिए और वो भी वहाँ रहा वो कहने लगे बाप जी केवल नौ दस महीने उनके साथ वो लड़का रहा होगा हमारा बेटा और पता नहीं वो कैसे बच्चे थे कैसे उनकी संगत रही उनके पता नहीं किससे क्या दुश्मनी थी ये भी उनका दोस्त बन गया उनके साथ लग गया और एक दिन केवल नौ महीने के बाद एक मर्डर केस में वो भी फंस गया और आज पाँच साल हो गए बाप जी अभी तक वो जेल में बैठा है कोई दोस्तों में आपस में दुश्मनी हो गई होगी उसका कोई लेन देन नहीं था वो तो आठ नौ महीने पहले गया था पर अब जिसके साथ लगा रहा उन्हीं के साथ वो भी चल गया एक सभ्य शालीन संस्कारित एक लाइन में समझ लो अगर प्रभव जैसे राजकुमार को डाकुओं की सोहबत मिली तो प्रभव डाकू बन गया और उसी उसी प्रभव को जब स्वामी की सोहबत मिली तो वही 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 डाकू प्रभव अपने पांच चोरों के साथ भगवान श्री के पवित्र रस्ते पर आकर संत बन गया दीक्षा ले ली आपको पता है उस प्रभाव को जम्बू स्वामी की कितनी सोहबत मिली कितना साथ मिला कोई महीने दो महीने का नहीं कोई साल दो साल का नहीं कितना कितना बोलो बोलो कितना एक गलत प्रवृत्ति का व्यक्ति एक घंटा जिंदगी में जुड़ जाए तो एक राजकुमार प्रभाव डाकू बन जाता है और एक डाकू को अगर कुछ घंटे के लिए जम्बू कुमार जैसे किसी सात्विक राजकुमार की सोहबत मिल जाए तो वो डाकू फिर डाकू नहीं रहता जम्बू अगर संत बनते हैं तो साथ में प्रभाव भी पांच डाकुओं के साथ क्या लेता है दीक्षा स्वीकार करता है ये बात हमें बताती है कि व्यक्ति का सबसे ज्यादा जीवन प्रभावित होता है संगत से जैसे जैसे पानी की गिरी बूंद हमारी जिंदगी पानी की बूंद की तरह है अगर इसे सांप जैसा दोस्त मिल गया तो यह जहर बन जाती है और सीप जैसा मित्र मिल गया तो ये बोलो 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 मोती बन जाती है एक ही लाइन में जीवन का सारा पाठ पढ़ लीजिए कि अगर हमारी जिंदगी को सांप जैसा कोई दोस्त मिल गया तो उसके साथ जाकर पानी की बूंद जहर बन जाती है और उसी आदमी को क्या मिल गया क्या मिल गया क्या मिल गया सीप जैसा साथ मिल गया तो वही पानी की बूंद मोती बन जाती है। जैसे हमारे मित्र होते हैं वैसा हमारा चरित्र बन जाता है अरे अंगुली डाकू डाकुओं के साथ लग के अंगुली मार डाकू बन गया रोज अंगुलियां काट काट कर इंसानों की देवी को चढ़ाने लगा पर उसे थोड़ी सी देर के लिए बुद्ध की संगत मिली तो डाकू बदल गया वो दो तोते वाली कहानियां हमने बचपन में सुनी है ना जब एक संत किसी तीर्थ यात्रा पर जा रहा था पास में उसके दो तोते थे सोचा इन तोतों को लेकर कहां जाऊँगा तीर्थ यात्रा में इन तोतों को यहीं रख देता हूं तो यह सोचकर कि एक तोता साथ ले जाता हूं एक तोता यहीं छोड़ दूं तो एक एक पिंजरे को लेकर वो संतों के आश्रम में गया और जाकर कहा संतों में छह महीने के लिए तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूं मेरा एक तोता यहां रख पे जा रहा हूं थोड़ा इसको खिला देना पिला देना मिर्ची विरची जो चने वने खाना चाहे इसको कि... अरे उन्होंने कहा महाराज चिंता मत करो हमारे यहाँ तोता रहेगा सब खाने पीने का हम ध्यान रखेंगे दूसरे तोते को हाथ में लिए संत निकलते गए कोई तीन किलोमीटर चले होने लगा यार ये तोता भी बाहर कहाँ तक ले जाऊंगा इसको भी कहीं रख दूँ अब रखो तो कहाँ रखूँ तभी देखा वहां पर डाकुओं का खेमा था संत वहां गए डाकु ने कहा महाराज अरे महाराज नहीं भैया मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूं कुछ काम नहीं है मेरा एक तोता है दो चार महीने में मैं लौट के आ जाऊंगा इसको रख लो थोड़ा इसको चने मिर्ची वगैरह खिलाते रहना थोड़ी सब्जी खिलाती रहना मैं तीन चार महीने में यात्रा करके आऊंगा तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं तो कहां दिक्कत है छह महीने के बाद संत वापस लौट कर आए और जैसे ही पहले अपने नगर की तरफ घुसने लगे तो पहले कौन आया डाकुओं का खेमा बाहर में तोता लटक रहा था संत ने देखा मेरा वो पिंजरे वाला तोता सामने है पर जैसे ही तोते ने संत को देखा कि जोर से चिल्लाने लगा मारो कूटो लूटो मारो कूटो लूटो मारो कूटो लूटो मारो कूटो लूटो संत तो बेचारा अचंभे में पड़ गया ये हो क्या रहा है ये हो क्या रहा है मुझे देखकर और ये तोता बोला मारो कूटो लूटो पर ठीक है संत उस तोते को लेकर आगे निकले यह सोच कर कि जाता हूँ जो संतों के पास तोता रह गया उसको भी देख कर आता हूँ वो क्या बोलता है लेकिन वहां भी संतों के आश्रम के बाहर पिंजरे में तोता लटक रहा था और तोते ने जैसे ही संत को आते हुए देखा कि बोलने लगा स्वागतम 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 संत के एक हाथ में डाकों के साथ रहा तोता था संत के एक हाथ में हुँ, हुँ, साधुओं के यहाँ तोता हुआ था दोनों तोते हाथ में थे एक संत को बोल रहे थे मारो कूटो लूटो एक बोल रहे था स्वागतम संत तो समझ गई जिंदगी कुछ नहीं होती है जैसा इंसान को साथ मिलता है वैसी ज़िंदगी बन जाती है इस तोते को डाकुओं का साथ मिला तो छः महीने में मारो कूटो लूटो बोलने लग गया इस तोते को संतों का साथ मिला तो छः महीने में स्वागतम 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 बोलने लग गया आपका बच्चा वही बनेगा जो उसकी सहबत है इसलिए अपने बच्चे को अगर आप अच्छा बनाना चाहते हैं तो दिन भर उसके पीछे मत लगे रहो बस ये पता करते रहो उसके दोस्त कैसे हैं कोई गलत प्रवृत्ति का दोस्त आ गया तो तो फूकना सीख जाएगा चबाना सीख जाएगा खाना सीख जाएगा और पीना सीख जाएगा एक गलत प्रवृत्ति का दोस्त अगर आ गया एक गलत आदत का टाइम पास करने वाले आजकल दोस्त ऐसे बनते हैं टाइम पूछो चार लड़के बने क्या कर रहे हो आप जी टाइम पास कर रहे हैं फिक्स जवाब है दोस्त जहां इकट्ठे होते हैं जीवन निर्माण की बातें कम और टाइम पास हमारी जिंदगी उपयोगिता में कम बीतती है टाइम पास में ज्यादा बीतती है आप अपने अतीत को झांक कर देख लो आपने अपने जीवन का सार्थक उपयोग कम किया है अधिकांश जीवन आपने टाइम पास टाइम पास टाइम पास टाइम पास में जिया है अमेरिका में एक बगीचे में दो युवक खड़े थे एक इधर से आया एक इधर से आया दोनों पास में खड़े थे काफी लोग थे वहां पर पर वो दो 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 युवक आए एक ने दूसरे को पूछा तुम किधर से उसने कहा मैं इंडिया से तू इंडिया से अरे मैं भी इंडिया से अपन दोनों एक ही देश के हैं। फिर तो मजा आ गया अच्छा इंडिया में किधर रहता है एमपी मध्य प्रदेश में अरे मैं भी मध्य प्रदेश तू भी मध्य प्रदेश फिर तो अपन दोनों एक ही राज्य के हो गए थोड़ी देर में फिर उसने पूछा एमपी में किधर इंदौर क्या गजब भगवान ने मिलाया अपन को तू भी इंदौर और मैं भी इंदौर तो कहा इंदौर में किधर के साउथ तो गुजब क्या भगवान ने अमेरिका में लाकर के अपन को मिलाया दोनों साउथ तो अच्छा साउथ तो किधर के प्रिंस वेली में प्रिंस वेली में तू भी उधर ही रहता है मेरा भी मकान उधर मेरा भी फ्लैट उधर दोनों अपने एक ही बिल्डिंग के है। फिर तो क्या गुजब भगवान ने मिलाया प्रिंस वेली में कहा रहता है क्या नौवे माड़े पर गुजब तू भी नौवी माड़ी पर और मैं भी नौवी माड़ी पर है तो अपन दोनों मतलब एक ही बिल्डिंग के तो कहा माड़ी में तेरा फ्लैट नंबर के 904 और गजब तेरा फ्लैट नंबर भी 904 और मेरा भी तेरे पापा जी का नाम के शांतिलाल और गजब मेरे पापा जी का नाम भी शांतिलाल लाल पांच में पांच सात लोग खड़े थे कहा हम बेवकूफो कर क्या रहे हो है? हमको क्या मूर्ख बना रहे हो कर क्या रहे हो उन्होंने कहा हम सगे भाई भैया थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं बस बाकी कुछ नहीं है सके भाई भाई ये वैसे तो दोनों ही शांतिलाल के कांतिलाल है कोई ऐसा नहीं है इसका शांतिलाल मेरा कांतिलाल है दोनों का बाप एक है मां एक है घर एक है परिवार एक है बैठे बैठे बोर हो रहे थे तो टाइम पास करने लग गए मेरे भाई जो टाइम पास करने वाली जिंदगी में हिस्सेदार बनते हैं वो खुद का टाइम भी खराब करते हैं और हमारा टाइम भी खराब करते हैं तो ऐसे टाइम पास लोग होते ना कौन से लोग टाइम पास लोग अपना समय भी गंवाना और सामने वाले का समय भी गंवाना गपे मारने में समय को पूरा करते रहना उनको जीवन में कभी दोस्त बनाने का कोई लाभ नहीं होता आओ किसको बनाए जीवन का मित्र ऐसे व्यक्ति को अपना मित्र बनाइए जिसके भीतर प्रेम हो सहानुभूति हो लचीलापन हो सहिष्णुता हो जिसके भीतर धैर्य हो सम्मान की भावना हो जो आपसी समझ को जानता हो जो अपने मां बाप का सम्मान करना जानता हो जो परस्पर एक दूजे के काम आने की सोच रखता हो और जिसकी थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव हो क्या हो जिसका नजरिया जिसकी थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव हो ऐसे व्यक्ति को जीवन का मित्र बनाइए पर सावधान रहिए भूल चूक कर कुछ गलत आदत वाले लोग हमारे जीवन के मित्र न बन जाए और उसमें नंबर एक ऐसे लोगों को मित्र मत बनाइए जो दूसरों को तो धोखा देते हैं और आपको साथ निभाने का वादा करते हैं याद रखना ये एक दिन उसको भी कह रहा था मैं तेरे साथ हूं आज उसको धोखा दिया है कल 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 कल, कल किसकी बारी किसकी बारी आपकी बारी हो सकती है तो अगर आपको पता लग जाए कि अम्बुक दोस्त है जिसकी प्रवृत्ति है दूसरों को धोखा देने की बचे रहो नंबर दो ऐसे लोगों को जीवन में कभी मित्र मत बनाओ जिनमें कोई गलत आदत पड़ी हुई है आपको जिस दिन पता लग जाए ना आपके दोस्त ने गुटखा खाना शुरू कर दिया है जर्दा खाना शुरू कर दिया है सिगरेट पीना शुरू कर दिया है या इससे भी दो कदम आगे बढ़कर गलत काम के लिए उसने शराब पीना शुरू कर दिया है सहन मत करते रहिए देखते मत रहिए नेगलेक्ट मत करते रहिए कल उसका है और आने वाला कल आपका हो सकता है झट से उससे मिलिए और मिलकर कहो भैया तेरे जीवन में गलत आदत पड़िए ना गुटके किसको छोड़ दे वो पहले तो मीठी मीठी हाँ हाँ कर दूंगा तीन दिन फिर इंजारी करके दोबारा कहो भैया तू तो इसे छोड़ दे फिर भी वो मीटी मीटी सात दिन बाद फिर एक बार और उसको कहिए भैया अगर तुम तो मुझसे मैत्री चाहता है तो गुटके को छोड़ दे पर मैं आपसे कहना चाहूंगा अगर तीन बार कहने पर भी वो गुटका नहीं छोड़ रहा है प्लीज मैं आपसे कहना चाहूंगा आप उस दोस्त को छोड़ दीजिए अपने मोबाइल में से उसके नंबर डिलीट कर दीजिए क्योंकि एक दिन जो आदत उसमें पड़ी है आज उसकी शुरुआत बहुत जल्दी आप में होने वाली है या तो उसको बोल अपनी आदत बदल छोड़ और नहीं तो दूसरा फैसला आपके हाथ में है आप उसी को छोड़ते हैं इसी में आपकी भलाई है पहले उसको सुधरने का मौका दीजिए पर फिर भी वो सुधरने के लिए तैयार ना हो उसे कहो भैया तू तो क्यों खा रहा है क्यों चबा रहा है क्यों ये कर रहा है तेरे साथ बैठा हुआ मैं भूढ़ा लगता हूं कितने बद्दे लगते हैं आप पास में एक आदमी बैठा है वो गुटका खा रहा है गुटका खा रहा है वो चबा रहा है उसके दांत खराब आंत खराब होठ खराब दिल खराब दिमाग खराब दांतों से लेकर आंतों तक और दिल से लेकर दिमाग तक जो हमारे कलुषित करती है वो गुट क्या है गुट हमारे दिल से दिमाग को दांतों को आंतों को सबको खराब करती है गुट आदमी आपको पता है फिर वो बोलता क्या हुआ मारवाड़ की घटना है एक 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 दोस्त की शादी हुई तो वो उसके घर मिलने के लिए गया तो उसने पत्नी को कहा देखो मेरी पत्नी है तो उसको उसको, उसको पूछा और भाई मेरी पत्नी कैसे लगी और वो गुटका मुंह में भरा हुआ था धोकड़ धोकड़ दो बोल तो रहा था ढाकड़ अब जब मुंह में गुटका भरा हो तो क्या बोले कहा है डाकड़ है, उसने कहा मारू दो जूत बदलो मेरे भाई याद रखना इन गुटका खाने वालों को अगर छह महीने के लिए ताजमहल दे दो तो उस ताजमहल को भी ये लाल किला बना देंगे छह महीने के अंदर अंदर थूक थूक कर उसको लाल किला बना देंगे इसलिए उसको पहला मौका दे कि वो सुधरे और न सुधरे तो आपके पास दूसरा मौका है कि आप उससे दूर हो जाए और नहीं अगर आपने तब भी उससे दोस्ती बनाए रखी अब यह मेरा मंत्र याद रखना आज वो बिगड़ा है और आपके बिगड़ने के दिन शुरू हो चुके हैं तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी मित्र मत बनाइए जिसके जीवन में किसी भी प्रकार का गलत संस्कार या गलत आदत है उसको बिल्कुल कहिए भैया इसको छोड़ दे ना छोड़े तो आप उसको छोड़ दो नो प्रॉब्लम पर आप अपने जीवन को बचा लें जीवन में तीसरी बात जो मैं निवेदन करूंगा ऐसे लोगों से मित्रता मत रखिए जो अपने मां बाप का तिरस्कार करते हैं आपका मित्र भी है ना पर जो अपने मां बाप का तिरस्कार कर रहा है उनकी उपेक्षा कर रहा है उनका अपयश कर रहा है उनके साथ लड़ झगड़ रहा है उनके साथ गलत तरीके से अपने व्यवहार को कर रहा है और आपको पता लग गया है सहन मत करिए उसे समझाइए भैया माँ बाप से ऐसे मत कर और फिर भी लगे कि नहीं वो माँ बाप का तिरस्कार अभी भी नहीं छोड़ रहा है आप अपनी दोस्ती छोड़ दो क्योंकि आप उसके साथ उठ बैठ रहे हैं ना जैसा वो करेगा वैसा एक दिन आपके साथ आएगा आज वो अपने माँ बाप का तिरस्कार कर रहा है कल आपको भी इसी चीज़ से गुजरना पड़ेगा उसके माँ बाप सही थे कि गलत थे ये उसका घर फैसला करे पर उसके चक्कर में आप अपने देवता तुल्य मां बाप से लड़ झगड़ गए वो संस्कार आप में आ गए जीवन आदमी का सबसे ज्यादा किसी से प्रभावित होता है मैंने कहा जैसा होता है आदमी का मित्र वैसा ही बनता है उसका बोलो 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 क्या बनता है चरित्र बनता है हम लोग अजमेर में थे एक सिंधी युवक हमने अपनी जिंदगी में और कोई काम किया कि नहीं किया पर इतना तो मन में आत्मविश्वास है हमने लाखों लोगों को व्यसन मुक्त बनाया है और हमने हजारों हजार लोगों को मांसाहार का त्याग जरूर कराया अभी हम जब दक्षिण भारत की यात्रा करके आए ना हजारों लोगों को हमने मांसाहार का त्याग कराया हम मैदान में जाते इसके लिए हैं ये, ये ये जो लोग यहां सुनने आ रहे हैं उनके लिए मैदानों थोड़ी जाते हैं हम मैदानों में उन लोगों के लिए जाते हैं जिनको कभी संतों का सानिध्य नहीं मिलता और वो मैदान में आएंगे और वो जीवन को सुधार कर जाएंगे तो वहां हजारों सिंधी भी हमारे प्रवचन में आने लग गए हजारों सिंधी धीरे धीरे सिंधियों का एक भक्तों का समूह वहां बनने लग गए एक युवक भी आता था धीरे धीरे वो दिन भर आने लगा हम जहां आहार के लिए जाते थे हमारे साथ साथ चलने लगा दस से एक दिन की संगत का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उस युवक ने नॉनवेज भी छोड़ दिया शराब पीना भी छोड़ दिया और तो और गुटखा खाने की आदत थी सिगरेट पीने की आदत थी वो भी उसने त्याग कर दिया और दिन भर वो हमारे पास हमारे पास हमारे आगे पीछे घूमता रहता समृद्ध परिवार का युवक था पूरा शहर उसे जानता था हमारे साथ ही वो घूमता रहता था अजमेर में धीरे धीरे समाज में सुख बुगाट हुई तो कुछ लोग उनके मम्मी पापा के पास गए और जाकर के आपका बेटा तो दिन भर जैन महाराज के पास पड़ा रहता है और वो धीरे धीरे जैनी नहीं बन जाए क्या कहा धीरे धीरे वो जैनी नहीं बन जाए उनके मां बाप ने कहा तुम कहते हो जैनी नहीं बन जाए हम कहेंगे वो संत बन जाए तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी अरे तुम लोगों के साथ रहकर उसने जीवन की गंदी आदतें सीखी थी ये संत ऐसे आए जिनके साथ रहकर ये एक महीने में अच्छा इंसान बन गया हाँ जब अच्छों की सोहबत मिलती है आदमी के जीवन में अच्छाई आती है सांप के मुंह में जाएगा तो पानी जहर बनेगा पर इतना ही सच ये है सीप के मुंह में जाएगा तो भाई क्या बनेगा क्या बनेगा मोती बनेगा तो मैंने कहा ऐसे लोगों से अपनी दोस्ती छोड़ दीजिए जिनके जीवन में क्या है गलत आदत है नंबर चार ऐसे लोगों से भी दोस्ती मत कीजिए जो निराशावादी है जो हमेशा नकारात्मक बोलते हैं जो हमेशा आप कुछ भी काम करना चाहें तो आपको निराशावादी देते हैं भैया ये ऐसा करेगा क्या हो जाए ऐसा करेगा क्या होगा उनके निराशावादी दृष्टिकोण धीरे धीरे आपका भी बन जाएगा और आप अपने जीवन में कोई भी प्रगति का द्वार नहीं खोल पाएंगे क्योंकि वो हर बात में आपको निराशा देंगे अरे तू क्यों कर रहा है कहीं नुकसान लग गया तो कहीं घाटा लग गया तो फालतू तो क्यों हाथ डाला ये निराशावादी दृष्टिकोण के लोग आपके जीवन में भी निराशा आपके जीवन में भरते रहेंगे हाँ ऐसे व्यक्ति से दूरी बना लीजिए जो गलत कार्यों में आपकी भागीदारी चाहते हैं चल चल अपन दोनों

जमीन पर आ गए तो ऐसे लोगों से अपनी दोस्ती छोड़ोगे तो ज्यादा सुखी रहोगे हां और जो लोग हैं जिनके साथ हमें दोस्ती से बचना चाहिए नंबर एक जो लोग हर समय केवल धन को प्राथमिकता देते हैं रिश्तों को प्राथमिकता नहीं देते उनको बस धन दिखता है रिश्ते नहीं दिखते क्या दिखता है धन दिखता है बस अगर हम अमीर हैं तो हमारे साथ हैं कल हमारी अमीराई चली गई अपने वे नहीं होते जो तस्वीर में हमारे साथ होते हैं बोल लो अपने वे नहीं होते जो तस्वीर में हमारे साथ होते हैं असली अपने वे होते हैं जो तकलीफ में हमारे साथ होते हैं तस्वीर में खड़े होने के लिए हर कोई आ जाएगा जब मोबाइल से फोटो खींचता हर कोई मैं आता, हूं, मैं आता हूं मैं आता हूं जब तुम्हारी फोटोग्राफी हो रही है तो दुश्मन भी करीब आना चाहेगा पर जब तुम्हारे मुसीबत की वेला आ रही है तस्वीर में हर कोई साथ होता है पर अपना असली वो है जो तकलीफ में भी हमारे जीवन का हिस्सेदार बनकर कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़ा हो समझ लेना वो जीवन का असली अपना है हाँ अगर मित्रता बनानी है तो ऐसे लोगों से बनाइए जैसे सुदामा को कृष्ण मिले थे मैं जानता हूँ कई ऐसे ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जो संकट की वेला में कैसे किसी के काम आए ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो संकट की वेला में एक दूजे के काम आए और जिन्होंने लंबे अरसे तक अपने जीवन में मित्रता को जिया उदयपुर में दो परिवार थे एक दिगंबर परिवार एक श्वेतांबर परिवार हम्म, हु? दोनों में दोस्ती थी लगभग दोनों ही बचपन में गरीब थे श्वेतांबर परिवार की लड़के की शादी पहले हो गई और वो जो दिगंबर परिवार का युवक था वो तब सीए कर रहा था उसकी इच्छा थी मैं सीए करने के बाद शादी करूंगा लेकिन वो इतना ज्यादा गरीब था कि उसके पास अहमदाबाद जाकर सरकारी कॉलेज में सीए करने की उसके पास किताबें और फीस भरने की भी शक्ति नहीं थी एक दिन उसने अपने दोस्त से कहा पूरा उदयपुर इस दोस्ती की मिसाल को जानता है उदयपुर का बच्चा बच्चा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर इंसान इस उदयपुर की दोस्त की मिसाल को जानते हैं दोनों हमसे जुड़े हुए करीबी परिवार हैं और उस दिगंबर युवक ने कहा भाई मेरी इच्छा हो रही है मैं सी ए पास कर लूं किताबों की व्यवस्था नहीं है फीस की व्यवस्था नहीं है अहमदाबाद जाना है पर व्यवस्था नहीं है देखता हूं भगवान कुछ कर दे बस मेरी एक ही इच्छा है जिंदगी में सीए पास कर लूं बस पता नहीं वो जो श्वेतांबर युवक था उसके मन में क्या आया वो अपने घर गया शादी में ससुराल से जो उसको सोने की चैन मिली थी वो भी था तो गरीब पर शादी में आ, सोने की चैन देना तो लगभग पहले तो आज का मुझे नहीं पता पर पहले जमाने में परंपरा थी वो चैन पहनाते थे और अंगूठी पहनाते थे ऐसा कुछ परंपरा थी छल्ला वल्ला ऐसे देते थे तो उसने सोचा मेरी पत्नी का है तो उसके पास है मैं अपना तो दे ही सकता हूं ना उसने वो चैन निकाली अंगूठी निकाली और लाकर के अपने दोस्त उसको पकड़ा दी दिगंबर जैन युवक उसने बहुत मना किया बहुत मना किया बहुत मना किया पर अंततः उस श्वेताम्बर युवक ने वो अंगूठी बेच दी चैन बेच दी और उस समय आज से करीबन 45 साल पहले उससे थोड़े बहुत जितने रुपये पैंतालीस भी नहीं शायद 50 साल हो गए होंगे उससे जो रुपये आए वो लाकर के उसको दे दिए भैया तू सी पास कर ले बस मेरी खास इच्छा है वो युवक चला गया अहमदाबाद एक दिन जब पत्नी ने अपनी अलमारी खोली और उसके पियर से आई हुई पति की चैन गायब पाई तो उसने अपने पति से पूछा पापा की वो चैन कहाँ गई पहले तो वो सब कुछ आया नहीं मुझे नहीं मुझे नहीं मुझे पत्नी अड़ गई नहीं आप ईमानदारी से बताओ चैन कहाँ गई यहां से अरे मैंने खुद नहीं रखी चाबी मेरे पास और आपके पास गई कहाँ चैन सोने की अब जिसके पास बहुत ज्यादा सोना चांदी वो पता नहीं लग पकड़ पड़ा पर दो ही चैन है वहां पर तो एक मिनट में पता लग जाएगा ना तो उसने फिर हाथ जोड़ के कहा मुझे माफ़ कर देना मैं वापस ले आऊँगा जल्दी आ जाएगी पर मोहन दोस्त का नाम था मोहन जो दिगम्बर जैन है उसके पढ़ाई के लिए मैंने ये चैन भेज दी महान पत्नी वो थी और उसने कहा आपने इतना भेदभाव किया अगर वो पढ़ रहे हैं ना अहमदाबाद में ये मेरी वाली भी भेज दो और उसकी रुपये भी उसको भेज दो अगर आपका दोस्त सी बन जाएगा ना तो इससे बढ़कर इस, बढ़ इस चैन का ज़्यादा उपयोग क्या होगा और तब वो दूसरी चैन भी गई उसके लिए उस पत्नी की वो दूसरी चैन भी गई और चार साल में पढ़ लिख कर आखिर वो सी ए पास करके आ गया वो वक्त सबका एक जैसा नहीं रहता है वो वक्त को वक्त बदलते वक्त नहीं लगता इसलिए जीवन में गुमान मत कर हे वक्त जिंदगी में याद रखना तुझे तो भी वक्त को वक्त बदलते वक्त नहीं लगेगा वो डिगंबर युवक आया वहाँ पर उदयपुर धंधा शुरू किया बढ़ता चला गया बढ़ता चला गया बढ़ता चला गया और एक दिन ऐसा आया जब वो उदयपुर का सबसे अमीर परिवार बन गया नाम जब उदयपुर का अमीर परिवार बन गया लेकिन उसने दोस्ती ऐसी निभाई इस घटना को घटित हुए लगभग पचास साल से ऊपर हो गए होंगे और मैं आपको ये मिसाल पेश कर रहा हूं जब उन्होंने हमारे प्रवचन का वहां पर आयोजन कराया तो जो उन्होंने कार्ड छपाया था प्रवचन और जीवन वगैरह बड़े रूप में कराया श्वेतांबर दिगंबर सकल समाज का कराया उसमें कार्ड जो छपा था उसमें उसका नाम भी था और एक श्वेतांबर परिवार छाजेर लगभग उसकी जाति थी तो वो भी उसमें दोनों नाम लिखे हुए थे तो मैं चौंका मैंने कहा कार्यक्रम तो पूरा आपकी तरफ से है तो ये ये दो अलग अलग नाम इसमें कैसे आए तब राज खुला कि साहब आज पचास साल हो गए पचास साल से हम दोनों मित्र एक घर में रह रहे हैं एक किचन है आज तक हमारा किचन अलग नहीं हुआ दोनों का घर एक है भले बड़ी कोठी हो गई चार मंजिल की पर सबके बेडरूम इसी में है मेरे बच्चे भी यहीं रहते हैं इसके बच्चे भी यहीं रहते हैं आज तक पचास साल में हमारा किचन जुदा नहीं हुआ हम जब उनके घर गए मोहन जी नागदा उनका नाम है जिसने सीए की थी उदयपुर का सबसे गौरवमय परिवार है लगभग हर दिगंबर जितने आचार्य हैं सब उनके यहाँ गए होंगे और सबका वो कृपा पात्र बना सबके यहाँ उसने कल्याणकारी काम किए हर धर्म के क्षेत्र में उसने कल्याणकारी पुण्य के काम किए मोहन जी नागदा ने और 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 इतना ही नहीं उसने अपने दोस्त को जिसने उसके लिए दो चैन बेचे थे उसको अपने से भी ज़्यादा अमीर बना दिया खुद से भी ज़्यादा अमीर बना दिया और जब अभी डेढ़ साल पहले उनका शरीर छूटा था वो हमारे पास आए थे उससे पहले जोधपुर में मंगल पाठ लेने के लिए शरीर में बीमारी हो गई शरीर छूटा था तो उनके बच्चे इधर खड़े थे और दोस्त के बच्चे इधर खड़े थे उसने शरीर छोड़ने से पहले एक वचन मांगा बेटा मुझे वचन दो कि जब तक तुम दोनों के घर में ताकत रहेगी जैसे हम दोनों दोस्त कभी अलग नहीं हुए मैं चाहता हूँ मेरे दोस्तों का दो परिवार भी कभी अलग ना हो हमेशा एक किचन बनाए रखना उन दोनों में से एक दोस्त तो दुनिया से चला गया पर चूंकि हमारा करीबी परिवार है हम आज भी जानते हैं उन दोनों दोस्तों के परिवार का किचन इतना समृद्ध हो जाने के बावजूद एक है घर एक घर का दरवाज़ा एक किचन एक परिवार एक इसे कहते हैं दोस्ती ऐसा कोई दोस्त मिले तो काम का है कि दोस्त को सीए पढ़ाने के लिए अपने और अपनी पत्नी की चैन भेज दे और ऐसा दोस्त मिले तो काम का है कि आगे बढ़ने के बाद अपने दोस्त को अपने से भी आगे बढ़ा दे तो मैं यही तो निवेदन करना चाह रहा हूँ मित्र तो जरूर बनाओ पर भगवान कहते हैं सत्वे मैत्री क्या कहते हैं बोल लो मुँह से सत्वे मैत्री जो सात्विक लोग हैं निर्मल हृदय के लोग हैं है। उनसे मैत्री करो हर प्राणी मात्र से मैत्री भाव रखो पर गहरी मित्रता उनसे करो जो निर्मल जीवन के मालिक है अपनी बात खत्म करूं उससे पहले इतिहास की एक बड़ी प्यारी घटना आपको देकर फिर अपनी बात पूरी कर रहा हूं और इतिहास की घटना है कहते हैं सिसली के राजा सिसली के राजा ने अपने यहां बाहर से आए हुए एक व्यक्ति जिसका नाम था डेयन उस व्यक्ति के द्वारा ऐसी कोई गलती हो गई उसे राजसभा में लाया गया गलती अक्षम्य थी और अंततः राजा ने उस डेयन को मृत्युदंड दे दिया मृत्युदंड के लिए तारीख निश्चित हो गई किस तारीख को इसको मृत्युदंड दिया जाने वाला है फांसी पर लटकाया जाने वाला है डेंदे राजा के सामने जाकर कहा राजन मुझसे गलती हुई मैं फांसी पर लटकने को तैयार हूं पर मैं चाहता हूं मैं एक बार अपनी बीबी बच्चों के पास जाकर उनके जीवन की व्यवस्था करके आ जाऊं फिर मैं वापस आ जाऊंगा मुझे फांसी पर लटका देना मुझ पर भरोसा कीजिए मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा मेरा देश ग्रीस है सिसली का अगला देश ग्रीस है मैं वहां पर जाता हूं मेरी पत्नी है मेरी बूढ़ी माँ है मेरे तीन छोटे छोटे बच्चे हैं राजन मैं उनकी जीविका पार्जन की सारी व्यवस्था साल भर में करके आ जाऊंगा और फिर मैं आकर के फांसी पर लटकने को तैयार हो जाऊंगा राजन ने कहा मुझे बेवकूफ समझता है, है? ग्रीस जाएगा मेरा देश छोड़कर जाएगा मैं वापस कैसे बुला पाऊंगा मैं तुझे भेज तो सकता हूं पर तेरे बदले में कोई दूसरा व्यक्ति कारागार में रह जाए और यह वो वचन दे कि अगर तू नहीं आएगा तो वो फांसी पे लटकने को तैयार होगा तो तुझे भेजा जा सकता है डेन ने सोचा क्या करूं क्या करूं क्या करूं उसी शहर में सिस्ली में उसका एक दोस्त रहता था ये वहां की सबसे लोकप्रिय कहानी है मित्रता पर मैं इसलिए आपको कह रहा हूं सिसली की सबसे लोकप्रिय कहानी और तब वहां पर उसका एक दोस्त रहता था जिसका नाम था पीटीएस क्या नाम था पी तो डेयन ने उस दोस्त को बुलाया और बुलाकर सारी समस्या बताई यार मैं समझ नहीं पा रहा हूं मैं तुझे उलझाना नहीं चाहता हूं मैं नहीं चाहता हूं तू फंसे तुझे कारागार में रहना पड़े पर यह राजा मान ही नहीं रहा है बहुत समझा दिया मैंने बहुत निवेदन किया हाथा जोड़ी कर दी पर राजा टस से मस नहीं हो रहा है अरे 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 मुझे कुछ भी काम नहीं है मेरी बूढ़ी माँ है मेरी पत्नी है मेरे तीन छोटे छोटे बच्चे हैं मुझे उनके जीवी को पार्जन को बेचारे जियेंगे कैसे उनकी व्यवस्था करके आ जाऊं पर राजा ने शर्त डाल दी कि तेरे पीछे कोई रह जाए जेल में तो तू जा सकता है तो समझ नहीं पा उसने कहा पीती ने पागल है इतनी बात बता रहे अरे तू आराम से जा मैं हूं ना रेडी और चिंता मत करना आएगा तो तू नहीं तो मैं चढ़ जाऊंगा अरे उसने कहा कैसी बात करते मैं हंड्रेड परसेंट आऊंगा भरोसा रखो उनकी दोस्ती की कहानी पूरे आसपास के नगरों में फैल गई कि अपने दोस्त को अपने गांव भेजने के लिए उसका दोस्त जेल में चला गया है और अगर वो नहीं आएगा तो फांसी पे कौन लटकेगा पीटीएस लटकेगा तारीख तय हो गई तेईस जुलाई को दोपहर में बारह बजे उसे फांसी दी जाएगी क्योंकि आज तेईस जुलाई थी अब ठीक तेईस जुलाई के बाद एक साल आएगा उसे यह कि अगर तू नहीं आया तो इसको फांसी हो जाएगी उसने जाते हुए गले लगा कर का भरोसा रखना मैं हंड्रेड परसेंट आऊंगा एक सौ एक परसेंट आऊंगा दुनिया की कोई ताकत नहीं मुझे रोक सके मैं आऊंगा बस मेरे पीछे एक साल तुझे जेल में रहना उसने कहा चिंता मत कर तू आराम से जा एक महीना बीता जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई पूरे नगर में हाका हो गया आसपास के शहरों में हाका हो गया अरे वो ग्रीस का आदमी धोखा देके चला गया आज बारह महीने हो गए वापस नहीं आया जुलाई में भी एक जुलाई दो जुलाई तीन जुलाई चार जुलाई पांच जुलाई छह सात दस बारह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह उन्नीस बीस इक्कीस और बाईस जुलाई आ गई अब तो चौबीस घंटे केवल बाकी है और उसका तो आने जाने का नामों निशान नहीं लोगों को लगा इसने क्या दोस्ती निभाई और वो कितना दगाबाज निकला इसका मतलब वो दगाबाज आदमी था दोस्त को फंसा गया अब बेचारा ये फोकट में मरेगा आखिर तेईस जुलाई भी आ गई सुबह के आठ बजे नौ बजे दस बजे राजा ने आदेश दिया अगर वो नहीं आया है निकालो इसको इसको फांसी पे लटकाएंगे नागरिकों ने बहुत कहा महाराज ये बेचारा क्यों मर रहा है उसके पीछे ये मरेगा अरे गलती की अपराध उसने क्या नहीं जमानत इसने ली थी क्या ली थी जमानत इसने ली थी ये इसको फांसी होगी होगी फांसी की तख्त पर ले जाया गया हजारों हजार लोग इकट्ठे थे सबके सब थूक रहे थे किस पर किस पर डेयन पर दोस्त को फंसा गया खुद तो बच गया बेचारा ये फांसी पे लटक रहा है अरे भगवान ऐसा दोस्त किसी को न दे खुद तो निकल गया और इसको फंसा गया हजारों लोग थूक रहे हैं डीएन पर गालियां निकाल रहे हैं अपशब्द कर रहे हैं पापी कह रहे हैं उसको पर वो शांत खड़ा है कौन पिथियस साढ़े ग्यारह बज गए पौने बारह बज गए बारह में दस मिनट कम पांच मिनट कम राजा भी है इधर और इधर हजारों हजार लोग मंत्री अमात्य सभापति सारे सभा के नागरिक सेनापति सब खड़े हैं इतिहास की अनोखी घटना होने वाली थी कि गलती किसी ने की और फांसी कोई पा रहा है जल्लाद आ गया फांसी का तख्ता लग गया डोरी नीचे लटक गई क्योंकि अब बारह में केवल एक मिनट घट रहा था और अब घंटी बजनी शुरू हुई टन दूसरी घंटी फिर टन और बारह बस्ती जैसी तीसरी घंटी बजे उससे पहले चिल्लाता हुआ एक युवक आया ठहरो मैं आ गया क्या कहा ठहरो मैं आ गया हूं और वो दौड़ता हुआ आया और भगवान को लाख लाख शुक्राना अदा किया कि मैं कितनी तेज गति से ग्रीस से यहां पर चलकर आया हूं अरे अनर्थ हो जाता अगर मैं दो मिनट और लेट हो जाता वो वहां पहुंचा पीटीएस नीचे उतारा गया इधर से डेन आया और दोनों एक दूजे के गले लगे और पीती ने तब चिल्लाते हुए कहा यानी जो बारह महीने तक अपने दोस्त के लिए जेल में बैठा था और फांसी पे लटकने वाला था उसने चिल्लाते हुए कहा यार पांच मिनट और लेट आता तो मजा आ जाता क्या कहा क्या कहा कैसा हो जीवन में मित्र मैंने कहा ना फूलों का सार है इत्र और जीवन के लिए चाहिए एक अच्छा मित्र तब पीचीएस ने कहा डेयन पांच मिनट लेट आता तो मजा आ जाता अरे इतिहास की अनोखी कहानी बन जाती दोनों गले लगे चिपक कर रोए पीठ ने कहा भाई मजा आ जाता मैं इतना खुश था कि आखिर में अपने दोस्त के काम आ रहा था राजा ने इन दोनों की जब ये हालत देखी तो राजा का मन पिघल गया क्या दोस्त हैं यार एक दूजे के लिए फांसी पर लटकने को तैयार है वो कहता है लेट आता तो मजा आ जाता और वो दौड़ कर पहुंच गया कि बारह में एक मिनट अभी बाकी है तो राजा ने खड़े होकर कहा जब भगवान ने ऐसी दोस्ती बनाई है तो मुझे अधिकार नहीं है कि ऐसी दोस्ती को मैं तोडूं, मैं इन दोनों को फांसी की सजा से मुक्त करता हूं। तब हज़ारों लोगों ने एक साथ बोला न चाहत है सितारों की न चाहत है नज़ारों की जीवन में एक अच्छा दोस्त मिल जाए जो अपने दोस्त के लिए फांसी पर भी लटकने को तैयार हो जाए तो फिर कहाँ ज़रूरत है हजारों की मैं समझता हूँ दिन भर व्हाट्सएप और फेसबुक पर दोस्त बनाने वाले लोगों को आज ये पता लग गया होगा कि जीवन में मित्र किसे कहते हैं हाँ फिर बता दूँ फूलों का सार है इत्र पर जिंदगी को महकाता है एक अच्छा सा मित्र